गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे क्लास 11 लेसन नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट बताया जाए। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मोल। मोल क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए केजी यूज करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड यूज करते हैं। जस्ट लाइक किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो मोल यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मोल क्या है। क्वेश्चन आ जाएगा जाएगा तो मोल क्या है, मोल क्या बताएंगे, जिससे एजुकेशन हम करेगी। व्हाट इज वन डजन? तो वन डजन मीन्स क्या होता है? 12 पीस। आपका माइंड क्या आएगा? 12 पीस मतलब 12 पीस, एक दर्जन है 12 पीस आ जाएगा तुरंत। जस्ट लाइक एकदम कहें कि व्हाट इज 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल यदि बोलेंगे तो माइंड में क्या आएगा आपको? 100 kg, तुरंत माइंड में आ जाएगा 100 kg। क्लियर है? उसी तरह से किसी भी अमाउंट सब्सटेंस के अमाउंट को यदि हम 1 मोल बोले, कितना? 1 मोल, तो माइंड में हमें आना चाहिए कितना? 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएंगे भाई आपके? तो आएंगे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस एटम कितने, आयंस कितने और मॉलिक्यूल्स कितने। क्लियर है? हम तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.022 × 10³ पार्टिकल्स और ब्रैकेट में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज 1 मोल। मीन्स कह रहे किसी भी सब्सटेंस मीन्स पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी सब्सटेंस की उतनी अमाउंट लीजिए जिसमें उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स हो? 6.022 × 10³ इतने पार्टिकल से यदि वह सब्सटेंस कंटेन करता है तो उस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कितना बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो हम मोल को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं और मोल इक्वल होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट मॉलिक्यूलर वेट सपोज करते हैं किसी भी गिवन अमाउंट को यदि हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपका Na2CO3 का इतना ग्राम है, कितना? 53 ग्राम। और इसको हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या लिख देंगे? वेट दिया हुआ है कितना है? 53 बाई। और माइक्रोवेट कितना है भाई? तो सोडियम कार्बोनेट का माइक्रोवेट होता है 106। ये हो जाएगा आपका 1/2, मतलब कितना? 0.5 मोल। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस का यदि हम 1 मोल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल में इतने सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम कार्बोनेट का 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल लेते हैं तो इतने पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ही नहीं, जैसे हम 1 डजन या 1 क्विंटल केवल आपको नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर जो 1 मोल है, ठीक है ना, तो 1 मोल हमें किसकी चीज को रिलेट करता है? जैसे 1
मोल, क्या है वन मोल, वन मोल क्या क्या रिलेट करता है, तो किसी भी कंपाउंड की वन मोल, मतलब कि हम कंपाउंड दो चार से शुरू कर लेंगे, जैसे वन मोल NaOH, वन मोल CaO, वन मोल Na2CO3, वन मोल HCl, मैंने कोई भी कंपाउंड यदि वन मोल लेते हैं, ठीक है ना, ये किसी भी कंपाउंड को लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स क्या क्या आएगा, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आ जाएगा वेट। अब वन मोल का ये तो नंबर बदल हो गया नंबर, अब वेट निकालते हैं, तो इसका वेट हो जाएगा आपका नियर अबाउट, लगभग किसके बराबर, मॉलिक्यूलर वेट W। तो वन मोल का नंबर कितने होंगे, तो इतने, वेट कितना होगा भाई, वन मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना हो जाएगा, तो वन मोल का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40 ग्राम होता है, उसका हो जाएगा NaOH का वेट 40 ग्राम, CaCO3 है सपोज करते हैं, तो इसका वेट वन मोल का कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, इसके वन मोल का वेट कितना आ जाएगा 106, HCl है इसके वन मोल का वेट कितना आ जाएगा 66.5। तो वन मोल का किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का वेट उसके लगभग मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वन मोल का नंबर, वन मोल का वेट और वन मोल किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो एस टी आर एन टी पर किसी भी सब्सटेंस का एस टी पी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एन टी पी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका हो जाएगा 0 degree Celsius और 273 केल्विन, ये टेम्परेचर होता है, कैसा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा, 0 degree Celsius और 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा आपका 760 mmHg, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का वन मोल का वेट नंबर, वन मोल में नंबर इतने, वन मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, और वन मोल का एनटीपी या एसटीपी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 और स्टैंडर्ड प्रेशर 760 पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है, या 224 मिली लीटर। ये जो है कि रेशियो हम लोग समझना है, किसी भी सब्सटेंस का वन मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने, उसका वेट नियर अबाउट मॉलिक्यूलर वेट के, और उसका वॉल्यूम एसटीपी पर और एनटीपी पर वॉल्यूम हो जाएगा कितना,
तो 22.4 लीटर और 22,400 ये जो है कि रेशियो हम लोगों को यदि याद रहता है तो हम बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो कृपया करके इस रेशियो को आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या देखना है, तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बताएंगे जिसके मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर नोट कराते रहें, क्योंकि उसको लर्न कर लेने के बाद इस लेसन के कैलकुलेशन को करने में हमें आसानी मिलती है। तो आते हैं चलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम होता है। अब इसको इसका इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है कि आपके पास वैलेंसी नहीं, तो वैलेंसी कितना होगी भाई, तो जितने रिप्लेसेबल एच है कितने रिप्लेसेबल एच है 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका ये माइल इक्विवेलेंट टू एट ई हो जाएगा 49 ग्राम। क्लियर है? जस्ट लाइक दूसरा कंपाउंड ले लीजिए नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका जोड़ेंगे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, तो वेट आएगा आपका 63। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्या हो गया एम। अब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट को किसे डिवाइड करते हैं वैलेंसी से ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पर कितना रिप्लेसेबल एच है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा ये यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आएगा 63 ग्राम। क्या है ना, नो कन्फ्यूजन। इसी तरह से हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका 36.5 होता है, इसमें कितने रिप्लेसेबल है 1 है, तो लिख लेंगे 36.5 बाई 1, तो कितना 36.5 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेंगे, इसके जोड़ेंगे सोडियम का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, तब तो हो जाएगा कितना 40 ग्राम हो गया, तो 40 ग्राम हो गया भाई। तो आइए हम 40 ग्राम का लेते हैं, कितना इसमें रिप्लेसेबल अब एच नहीं है, तो OH के नंबर लेंगे 1 है, तो आप ले लेंगे 40/1, मतलब कितना 40 ग्राम। जस्ट लाइक अब हम ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH का, इसमें 56 होता है, इसमें भी एक ही OH रिप्लेसेबल है, तो वैलेंसी 1 होगी, तो उतने ही से डिवाइड कर देंगे 56/1, तो हो जाएगा आपका 56। इसी तरह से अदर जो है कंपाउंड का हम क्या करेंगे निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे जो है कि सबको जो है कि आप लोग लर्न कर लेंगे, तो आगे हम टॉपिक जो है कि बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। ठीक, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग जो फॉर्मूला बताएं इसको, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।